गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. हर बिजनेस को करने में, या अब तक हमने जो भी ट्रेड या अब तक जो भी बिजनेस हमने पढ़े, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इंटरनल ट्रेड, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. तो हर बिजनेस को करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर चीज़ की एक मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं. तो इंटरनेशनल बिजनेस को करने में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं या करनी पड़ेंगी, उनको हम यहाँ देखेंगे. फर्स्ट इज लीगल प्रोसीजर्स. The procedure of to doing the international business or external trade is very lengthy. क्योंकि देखिए internal trade अभी जो हमने chapter 9 में पढ़ा वो बहुत simple था, उसका procedure lengthy नहीं था. क्यों? क्योंकि हमें same country में ही transport करना है, same ही country का seller और buyer है. लेकिन यहाँ एक्सटर्नल ट्रेड में अलग ही कंट्री के सेलर होंगे, दूसरी कंट्री के बायर्स होंगे, करेंसी चेंज कराना होगा, तो दिस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड द प्रोसीजर विल बी लेंदी. तो इसीलिए कहा गया है कि एक्सटर्नल ट्रेड या जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कह रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स लीगल होने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता है. इट टेक्स सो मच टाइम. Here it is written that import or export of goods involves a lengthy and complicated procedure. Prior permission of the government has to be obtained before exporting or importing goods or services. हमें internal trade में license लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम पूरे आगे chapters में पढ़ेंगे, बहुत सारे procedure बकायदा है. तो इंटरनल ट्रेड में हमें गवर्नमेंट की परमिशन तो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, लाइसेंस, करेंसी चेंजेस ऑफ करेंसी, इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. और एक्सटर्नल ट्रेड में यही चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं. तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों चीज़ों को करने से पहले हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है? वन हैज़ टू फिल मेनी डॉक्यूमेंट्स. कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर वर्क होते हैं. गेट कस्टम क्लियरेंस. कस्टम क्लियरेंस मींस जो भी टैक्स, जो भी कस्टम ड्यूटी, जो भी हमारी ड्यूटी या जो भी टैक्स लगना होता है उसको क्लियर करना होता है. कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू फॉरेन करेंसी. अगर हम यहाँ से कोई चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अदर कंट्री से हमने कोई चीज़ें परचेज़ किया है, तो हमें रुपी को सबसे पहले, मान लीजिए यूएस से कर रहे हैं तो हमें डॉलर में उसको कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा अपने रुपी को डॉलर में. तो दिस विल टेक सो मच टाइम. एंड बुकिंग ऑफ शिप. अगर आप अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए हमको या तो थ्रू रेल, मतलब थ्रू फ्लाइट, और या थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट का हमें यूज़ करना होगा. वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जाहिर है हमें शिप का यूज़ करना होगा. तो शिप की बुकिंग, शिप के बहुत सारे प्रोसीजर्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको फुलफ़िल करना होता है. बिना उसके किए आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं कर सकते. दोनों के प्रोसीजर भी अलग अलग हैं और काफ़ी लंदी भी हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें करना होता है, एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़. तो इसीलिए इसका प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाता है. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस. सेकेंड इज रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस में ये कह रहे हैं कि इंटरनल ट्रेड की तरह हमारा एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होता है. हमें अगर कोई ग्रॉसरी या कोई गारमेंट या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हमको ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो हमको लाइसेंस के लिए या गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन इन एक्सटर्नल ट्रेड भी वी हैव टू कलेक्ट द लाइसेंस. अगर हम किसी ऐसी चीज़ का, किसी इम्पॉर्टेंट आइटम या किसी अदर चीज़ों का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बाकायदा हमें लाइसेंस भी लेना होगा. लाइक वेपन्स, है ना, वेपन्स वगैरह हैं या ड्रिंक है, लिकर है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें गवर्नमेंट से प्रॉपर लाइसेंस चाहिए. अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट ही करते हैं,
तो जब भी आप इस टाइप का ट्रांजैक्शन या इस टाइप के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस होता है, जबकि इंटरनल ट्रेड में ऐसा नहीं होता है. देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ सेवरल आइटम्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेंड. मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स. अब यहाँ सर्टेन आइटम्स दो बार कह रहे हैं, तो सर्टेन आइटम्स में क्या होगा, वही वेपन्स, लिकर हुआ या टोबैको या इस टाइप की कोई भी अनहाइजीनिक या वैसी टाइप की चीज़ें जो यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है. ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट को अगर आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है. ये होता है रिस्ट्रिक्शन, जबकि इंटरनल ट्रेड में नहीं होता. अभी अगर हम आगे अभी हम डिफरेंस देखेंगे. नेक्स्ट इज हाई रिस्क. हाई रिस्क में एक बात समझ लीजिए, इंश्योरेंस हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, और रिस्क ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ पर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने ही रिस्क भी ज़्यादा होगा. मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट आप यहाँ से लखनऊ भेज रहे हैं तो रिस्क है, नो डाउट देयर इज रिस्क, बट देयर इज लेस रिस्क एज कम्पेयर्ड व्हेन वी ट्रांसपोर्ट, व्हेन वी एक्सपोर्ट आर गुड्स फ्रॉम द इन द अनदर कंट्री. जब हम अपनी कंट्री का कोई गुड, कोई प्रोडक्ट अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में सेंड कर रहे हैं या सोल्ड कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा हो जाता है. व्हाई? बिकॉज देयर इज द डिस्टेंस, फार डिस्टेंस. ओके, देयर इज अ फार डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज. तो एक बात बहुत सिंपल है, इसको समझ लीजिए कि रिस्क कम और ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा. एक यहाँ पर की कोई चीज़, यहाँ पर का कोई प्रोडक्ट अगर हम दूसरी सिटी में भेजें, दूसरे स्टेट में भेजें, दूसरे सिटी में भेजते हैं तो रिस्क है, लेकिन लेस रिस्क. वही प्रोडक्ट अगर हम दूसरे स्टेट में भेजते हैं फ्रॉम यूपी टू एमपी तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया. और इसी रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. तो इंटरनल ट्रेड में हमारा रिस्क कम होता है. There is less risk in internal trade. Why? Because we do trade in our country only. Okay, but in external trade, in international business, there is more risk as compared to internal trade. क्योंकि यहाँ हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को सेंड कर रहे हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा रिस्क ज़्यादा हो जाता है. अब हम जब दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट जब हम करेंगे या इंपोर्ट होता है कोई भी गुड, तो वी हैव टू ऑप्शन. आइदर वी विल चूज़ फ्लाइट, मींस एयर के थ्रू, या फिर वी चूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, मींस शिप है ना, इसके थ्रू. जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो वी हैव टू टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, तो इसके लिए हमें मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जबकि इंटरनल ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है. शिप के थ्रू अगर सेम कंट्री का है तो शिप के थ्रू बहुत कम ही सामान आता है, लेकिन अगर अदर कंट्री में जाना है तो हमको इंश्योरेंस पॉलिसी, वाटर ट्रांसपोर्ट है तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होगा. अगर एयर बाई एयर मतलब एरोप्लेन है ना, उसके थ्रू अगर जाता है तो हमको, तो भी हमको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होगा. तो कह रहे हैं देयर इज़ हाई रिस्क, देयर इज़ लॉट्स ऑफ रिस्क in external trade as compared to internal trade. देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, there is also the risk of fluctuation in currency conversion rate. अच्छा, risk किस टाइप का होता है? बहुत सारा risk हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा हो सकता है, कि theft हो जाए हो सकता है, कुछ damage हो जाए हो सकता है, fire हो जाए हो सकता है, अगर water के through जा रहा है तो बाढ़ आ जाए, flood हो जाए, है ना, rats वगैरह आ जाए ship में, या कुछ कुछ भी हो सकता है. या हम जिस product को दूसरी country में भेज रहे हैं उसकी demand जो है fall हो जाए, या फिर अचानक से करेंसी का रेट चेंज हो जाए. जैसे आपने देखा भी होगा पेपर में डेली निकलता है कि $1 इज इक्वल टू दिस रुपीज़, 67 रुपीज़ इस टाइम चल रहा है फ़िलहाल, तो इस टाइप का रहता है. अगर यहाँ का रुपी वहाँ का डॉलर से रेट चेंज हो जाता है तो ये भी रिस्क है. इसके लिए हमें हर टाइम तैयार होना होगा, और इसको ही कवर करने के लिए हम पॉलिसी लेते हैं. देखिए यहाँ लिखा था, एक्सपोर्टर मस्ट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर सेंडिंग द गुड्स थ्रू शिप.
अगर थ्रू के शिप के थ्रू कर रहा है तो उसको हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट लैंग्वेजेस. लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत होता है. देखिए, जब आप अपनी कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं तो देयर विल बी नो लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन उसी जगह जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को सेंड कर रहे हैं या वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जो मीडिएटर है, जो एजेंट है, उसके को आप कैसे अपनी डिमांड या उसको कैसे आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होगी. देखिए लिखा हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट कंट्रीज. जाहिर है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बोली लैंग्वेज बोली जाती है और लिखी जाती है. ट्रेडर्स मस्ट अपॉइंट समवन हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज टू रीड द प्राइस लिस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा. हर कंट्री अपने कोई ना कोई ट्रेडर्स जो है अपने किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो दूसरे की कंट्री या जहाँ जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो. ठीक है, दोनों को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर. तो हर ट्रेडर अपने कोई ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करता है जब हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं जिस कंट्री से, उसके लैंग्वेज को समझ पाए ताकि वो उनको उनकी लैंग्वेज में हमारे प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस, फीचर्स, प्राइस लिस्ट सारी चीज़ें बता पाए. तो ये होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी इसमें होती है. देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं. अगर इन केस इंटरनेशनल बिजनेस की एक्सटर्नल ट्रेड की डीमेरिट आता है तो आप ये लिखेंगे. ठीक है, प्रॉब्लम भी यही है, डीमेरिट भी यही है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी. अभी मैंने बताया आपको कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही हाल में आपको करेंसी कौन सी यूज़ करना है, फॉरेन करेंसी. तो उसका अरेंजमेंट करना प्रॉब्लम होती है कि मनी आपके पास, उसको आप फिर जाएँ चेंज करवाएँ, उसके लिए अरेंज करें फॉरेन करेंसी इज़ अवेलेबल और नॉट, है ना. तो वो चीज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. Here it is written that for making payment of importer has to arrange foreign currency within which involves lengthy procedure. अगर importer हैं आप तो आपको आप सामान आप मंगवा रहे हैं तो आपको फॉरन करेंसी का यूज़ करना है. एक्सपोर्ट करने में तो आपको कुछ यूज़ करना, मतलब आपको तो पे करना नहीं है, लेकिन जब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप सामान मंगवा रहे हैं, तो यू हैव टू पे एंड इन विच फॉर्म फॉरन करेंसी. तो यू हैव टू अरेंज द फॉरन करेंसी ऑल्सो. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. देखिए अब तक हमने जो पढ़ाया वो तो आप लिख सकते हैं. अगर एग्ज़ाम में आपको ये पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं तो अगर आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं दोनों ही चीज़ें, इंटरनल ट्रेड भी और एक्सटर्नल ट्रेड अब तक का, तो आप अच्छे से अपने पॉइंट्स खुद बना के लिख लेंगे. नहीं है तो फिर आपको वही कि लर्न करना होगा. लेट्स सी. अच्छा, मेन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी अगर डिफरेंस आता है लिखने को, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज़रूर लिखा करिए. पॉइंट ऑफ डिफरेंस से लिखने क्या होता है कि कोई भी चेकर है या टीचर है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख के समझ जाता है कि बच्चों का जो मैटर है या जो बच्चे का जो थीम है वो एकदम क्लियर है, मैटर उसको एकदम क्लियर है, उसको सब पता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अच्छा, दूसरी बात ये भी, अगर आपको नहीं याद है पॉइंट्स, बाकायदा पॉइंट ऑफ डिफरेंस उसको नहीं याद है, तो फिर इसको गड़बड़ मत करिएगा, इसको मत लिखिएगा. ओके, याद है तो ही लिखिएगा, अदरवाइज नहीं. याद है तभी इस टेबल फॉर्म में लिखिएगा, और अगर प्रॉपर नहीं याद है तो पैराग्राफ लिखिएगा. पैराग्राफ में ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन फॉर क्लास 12th के लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस अगर आपको याद है तो ही आप टेबल फॉर्म में लिखिए, क्योंकि टेबल फॉर्म में वो चीज़ें आपकी एकदम पकड़ जाती हैं, गलत कहीं भी होगा फ़ौरन पकड़ जाएगा. ठीक है, और अगर अच्छे से याद है, अच्छे से पढ़ा हुआ, लिख सकते हैं आपके, आपको पता है कि हम लिख सकते हैं प्रॉपर आंसर, तो कोई बात ही नहीं है, तब आप टेबल फॉर्म में लिखिए. और अगर नहीं याद है तो मेहरबानी करके इस तरह ना लिखिए, फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, ताकि स्टार्टिंग में जो आपने लिखा है वो एग्जामिनर पढ़े और फिर आपको जो भी मार्क्स देना है वो दे दें. ओके, नहीं, फर्स्ट इज मीनिंग. इंटरनल ट्रेड में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग. इंटरनल ट्रेड इज दैट ट्रेड इन विच वी बाय एंड सेल गुड्स और सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री, विद इन द कंट्री. एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड इन विच द पर्सन विल बाय और सेल द गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द कंट्री. देयर मस्ट बी टू कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व्ड.
सेकेंड इज कंट्रीज इन्वॉल्व. ये पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल ट्रेड में कितनी कंट्री इन्वॉल्व होती है, ओनली वन, क्योंकि बायर और सेलर दोनों एक ही कंट्री का है. एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड में मिनिमम टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व. दो कंट्रीज का होना मस्ट है क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड बिना दो कंट्रीज का हो ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट इज रिस्क. अभी मैंने आपको बताया था ये वाले पॉइंट में कि हाई रिस्क है ना, तो यही रिस्क वाला पॉइंट आप लिखेंगे कि इंटरनल ट्रेड में लेस रिस्क होता है और एक्सटर्नल ट्रेड में हाई रिस्क. करेंसी यूज्ड इंटरनल ट्रेड में जिस भी करेंसी में हो रहा है तो वो उसी का पेमेंट होगा, होम करेंसी में ही उसका पेमेंट होगा. ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड में आप जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको कौन सी करेंसी का यूज़ करना है, फॉरेन करेंसी. ठीक है, तो इसमें होम करेंसी, इसमें फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट इज प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड. अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोगों ने जो पढ़ा था लीगल प्रोसीजर, तो उसमें मैंने बताया था कि इंटरनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता है. तो वही लिखा हुआ है, नो लॉन्ग प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग. स्टार्ट करने से पहले कोई बहुत ज़्यादा लेंदी या लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होता है, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में हमारा लेंदी प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट. पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट में. इंटरनल ट्रेड में आप कैश और चेक दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, चेक तो आप दे नहीं सकते हैं, और या तो आप क्या करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करेंगे या थ्रू बैंक. ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर लिखिएगा कि पेमेंट इसमें कैश या चेक के थ्रू कर सकते हैं, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर बैंक. बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पता है तो हम आपको बाद में बताएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वैसे आगे हम पढ़ेंगे. लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हाई रूल्स या लॉज नहीं होते हैं, बस जो नेशनल लेवल के जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आपके एप्लीकेबल होते हैं. मतलब ये नेशनल रूल्स और लॉज लगेंगे, और इसमें कैसे लगेंगे, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी एप्लीकेबल. ओके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंटरनल ट्रेड में हम किस किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रोड का भी यूज़ कर सकते हैं, रेलवे का भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर का भी, लेकिन वाटर का हम इसमें कम यूज़ करते हैं, इस वजह से हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं. रोड और रेलवे लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, सी या एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मेनली जो हैवी प्रोडक्ट होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होता है, तो वो हम सी या वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट का के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट इन्वॉल्व. ज़ाहिर है इंटरनल ट्रेड में हमारा एक कंट्री में ही होना है ट्रेड, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हमारी हाई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, तो जो कॉस्ट होगी वो कैसी होगी, लोअर. ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड इज़ लोअर. तो बस इतना ही लिख दीजिएगा कि कॉस्ट इन्वॉल्व इन इंटरनल ट्रेड इज़ लोअर एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड इज़ हायर. क्यों, क्योंकि देखिए कॉस्ट कब ज़्यादा होती है, जब हम डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर हम एक सामान यहाँ से इलाहाबाद से लखनऊ भेज रहे हैं तो क्या होगा, कम डिस्टेंस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लगेगी. यही यूपी से अगर हम एमपी में सोल्ड करें या एक्सपोर्ट करें तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, अब हमारा ज़्यादा लगेगा. और एक्सटर्नल की एक्सटर्नल ट्रेड में तो जाहिर है डिस्टेंस तो ज़्यादा ही है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी होगी, हायर होगी. क्यों, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस. नेक्स्ट इन द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व्स. इंटरनल ट्रेड में फॉरेन रिजर्व का क्या इफेक्ट होता है, इंटरनल ट्रेड में हमारा कोई भी फॉरेन रिजर्व से कोई भी इसका मतलब नहीं है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री. लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, फॉरेन रिजर्व. अब इसकी वजह जान लीजिए, इंटरनल ट्रेड क्योंकि हमारा एक ही कंट्री में हो रहा है, किसी दूसरी कंट्री से हमें फॉरेन करेंसी या रिजर्व नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है. एक्सटर्नल ट्रेड में हमें फॉरेन रिजर्व में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों तरीके से, जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा फॉरेन रिजर्व खर्चा होगा. जैसे हमारे पास पैसे हैं 20 रुपीज़, अब हमें कोई चीज़ लेना है तो हम अपना पॉकेट, हम अपना मनी यूज़ करेंगे, तो हमारा खर्चा हुआ. जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम यहाँ से कोई चीज़ भेजेंगे, तो हमारे कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, मतलब वो करेंसी, बाहर की करेंसी हमारे कंट्री में आएगी. जो करेंसी आती है उसको हम कहाँ कलेक्ट करते हैं, फॉरेन रिजर्व्स में. फॉरेन रिजर्व्स अगर आपने पहले नहीं जाना हो तो अभी जान लीजिए, फॉरेन रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो हर कंट्री के पास होते हैं, और ये वो रिजर्व्स होते हैं जिसमें हम फॉरेन करेंसी को
कलेक्ट करते हैं। अब जब सिंपल सी बात जानिए, जब हम इंपोर्ट करेंगे मतलब हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको पेमेंट करना है तो हम अपना मनी ले जाकर वर्ल्ड बैंक को देंगे। वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, हमारे करेंसी को हमसे लेगा और चेंज करके डॉलर में करेगा। मतलब अगर हमें US में पेमेंट करना है तो डॉलर में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए उसने क्या यूज़ किए, फॉरेन रिजर्व्स। दूसरा एक्सपोर्ट, अब हम अपने ही सामान US में भेज रहे हैं मतलब सोल्ड कर रहे हैं, अब US क्या करेगा, उसको भी फॉरेन करेंसी में मतलब पे करना है, तो वो क्या करेगा, वो हमको डॉलर देगा, वो हमको डॉलर देगा जो कि जाएगा फॉरेन रिजर्व्स में, और वर्ल्ड बैंक फिर हमको उसको मतलब डॉलर को कन्वर्ट करके हमको मनी मिलेगी। लेकिन फ़ायदा क्या होता है, देखिए हमारा जो मनी है उसकी वैल्यू कम है, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, 50 रुपीज़ मतलब कोई प्रोडक्ट हमने यहाँ US में बेचा और उसका हमको 50 रुपीज़ मिलना है तो वो पे करेंगे, वो हमको मान लीजिए एक टाइम पे मान ले रहे हैं हम कि $1 इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़, हालांकि ऐसा नहीं है, तो हमने सपोज़ किया कि $1 इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़। अब वो क्या करेंगे, वो $1 हमको देंगे वर्ल्ड बैंक को और वर्ल्ड बैंक उसको फॉरेन रिजर्व में रखेगा डॉलर को, और उसके बदले हमको क्या देगा, मनी को चेंज करके मतलब डॉलर को चेंज करके हमको 50 रुपीज़ थमा देगा। देखिए रिजर्व में ज़्यादा पैसे गए और हमारे पास पैसे कम आए, क्यों, क्योंकि हमारी जो मनी की वैल्यू वो कम है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड में, एक्सटर्नल ट्रेड करने से हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन रिजर्व में, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। ये रिज़र्व हमारा कम भी होता है, कम कब होगा, जब हम इम्पोर्ट करेंगे, और एक्सटर्नल वो ज़्यादा कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बावजूद भी किसी को ना समझ में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पर एंड करते हैं, हम इसको पढ़िएगा, रीड करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस हम करते क्यों हैं, बहुत सारी वजह हैं, अपना फ़ायदा तो होता ही है लेकिन कंट्री को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है रीजंस, और आगे बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, अभी जो हमने बताया उसमें कोई किसी को डाउट हो तो पूछिएगा, ओके।